हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्नन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे हम हर बार आपको कुछ ना कुछ नया और अच्छा सिखाने की कोशिश करते हैं। आज हम इसी नई सोच के साथ आए हैं आपके साथ बात करने के लिए कुछ सीएसआईआर, जो सीएसआईआर दिसंबर 2018 में क्वेश्चन पूछे गए थे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स से रिलेटेड, उनकी बात करेंगे। देखिए, आज का जो क्वेश्चन है वो सबसे पहले रिलेटेड है, वो है क्रॉसिंग ओवर इवेंट से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेल्स में होता है माइटोसिस होती है, मियोसिस होता है, ठीक है। माइटोसिस जो होता है उससे हमें टू डॉटर सेल्स मिलते हैं, जबकि मियोसिस से हमें जो उसका एंड प्रोडक्ट होता है उसमें हमें क्या मिलते हैं, फोर डॉटर सेल्स। और जो मियोसिस होता है ना, उसमें मतलब जो फर्स्ट होता है वो तो मियोसिस वन होता है, सेकंड वाला जो मियोसिस टू होता है दैट इज मोर और लेस सिमिलर टू द माइटोसिस प्रोसेस। ओके, तो जो फर्स्ट मियोसिस होता है जिसमें प्रोफेस में काफी सारी स्टेजेस होती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, दैट मतलब वो फाइव स्टेजेस है ना, तो उनमें से एक पेकाइटिन स्टेज होते हैं जिसके टाइम पे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर इवेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आज हमारा जो क्वेश्चन है क्रॉसिंग ओवर से रिलेटेड है। ये हमें एग्जाम में पूछा गया था, फॉलोइंग इज द पिक्चर ऑफ एन इन्वर्जन हेटरोजाइगोट अंडरगोइंग अ सिंगल क्रॉसिंग ओवर इवेंट। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हमें उसमें से कुछ स्टेटमेंट्स दी थी, यहाँ पे टोटल हमें ए बी सी डी ई एफ है ना, सिक्स स्टेटमेंट्स दी थी। तो हमें आउट ऑफ मतलब आउट ऑफ वो इन सिक्स स्टेटमेंट्स में से बताना था कौन सा कॉम्बिनेशन है वो करेक्ट है। आपको मैं जैसे हमेशा बात करती हूँ, ऐसे जब भी स्टेटमेंट्स दी हो तो आपको हमेशा ये देखना है करेक्ट पूछा गया है या इनकरेक्ट पूछा गया, क्या इन्होंने एक स्टेटमेंट पूछी है या फिर कॉम्बिनेशन पूछा है। तो आज हमारे इस क्वेश्चन में उन्होंने करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी है, उसमें से भी हमें कॉम्बिनेशन बताना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिये, ये मैंने आपको बताया क्रॉसिंग ओवर इवेंट होता है किस कौन से स्टेज में होता है क्रॉसिंग ओवर इवेंट, ये होता है हमारा मियोसिस वन में पेकाइटिन स्टेज में, ठीक है। आप इसको ना, जो इसमें स्टेजेस होते हैं उनको याद रखने का बहुत ही एक आसान तरीका होता है, जैसे कि लेप्टोटीन लता जरा है ना, जाइगोटीन पेकाइटीन है ना, वो डिप्लोटीन डी डायकाइनेसिस एंड देन डायकाइनेसिस, लता जरा पानी दे देना, ओके। ये ऐसे होता है तो आप ऐसे ही याद रख सकते हो, पर जब सेल साइकिल की बात करेंगे तब हम डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, अभी हम अपनी एक एक स्टेटमेंट को पढ़ते जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताते जाऊंगी क्या क्या हुआ है इसमें, ठीक है। इन्होंने पहली स्टेटमेंट में बोला द रिजल्टेंट टू क्रोमोसोम विल हैव डिलीशन एंड डिप्लीशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो ये है क्रोमोसोम ए ए बी बी सी सी। यहाँ पे जब इनके आपस में क्रॉसिंग ओवर हुई तो यहाँ से क्या होगा, ए बी सी, ये बनेगा डी, डी आ जाएगा वो इंक्लूड कर लेगा, और यहाँ पे फिर सेंट्रोमियर आ रहा है ई एफ जी, फिर से अगेन क्या आ जाएगा, ए बी ए, ओके। इट मींस नॉर्मली जो ये क्रोमोसोम था वो क्या कंटेनिंग था, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, बट यहाँ पे क्या हुआ, जी एच को सॉरी एच आई को रिप्लेस करके क्या हुआ, ए एंड बी लग गया, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट, यहाँ पे मेरा कैसे आया जब क्रॉसिंग ओवर हुआ, ए बी सी डी ई एफ जी ए बी, तो आप देख रहे हो यहाँ पे सेंट्रोमियर क्या है हमारा, प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक ही सेंट्रोमियर है यहाँ पे, कोई डाइसेंट्रिक या फिर कोई मोनो एसेंट्रिक कंडीशन नहीं आया, मोनोसेंट्रिक कंडीशन है। और यहाँ पे क्या हो गया है, ये ए बी क्या दिखा रहे हैं हमारे, डुप्लीकेशन, ठीक है। ये क्या हो रहा है हमारा, डुप्लीकेशन, बट जो हमारा ये था क्या नाम, एच एंड आई, वो क्या थे, वो डिलीट हो गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, डिलीशन हुआ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारी है, द रिजल्टेंट टू क्रोमोसोम विल हैव अ डिलीशन एंड डुप्लीकेशन, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, करेक्ट हो गई, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि जी एच आई है वो डिलीट हो गया, ए बी क्या था वो इनकॉर्पोरेट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट था, अ डाइसेंट्रिक एंड एसेंट्रिक क्रोमोसोम विल बी फॉर्म्ड। हमने देखा, हमने अभी इसकी बात की थी, यहाँ पे क्या था वो कॉन्टिन्यूशन में एक ये सेंट्रोमियर मिल गया। उसी तरह से अगर आप इसको देखें, ये वाला भी अगर जब इंक्लूड हो रहा है तो ये भी क्या कर रहा है, एक सेंट्रोमियर को इंक्लूड कर रहा है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है, अ डाइसेंट्रिक एंड एसेंट्रिक क्रोमोसोम विल बी फॉर्म्ड, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, यहाँ पे रॉन्ग हो गई। तो बी स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, गलत। तो आप देख सकते हैं इन ऑप्शंस में से जिनमें भी बी स्टेटमेंट दिया आप उसको क्या कर दोगे, इलिमिनेट कर दोगे। तो मतलब 50-50 वाला कॉन्सेप्ट हो गया ना, जब बी ऑप्शन इलिमिनेट हो गया तो हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस बचे हैं अब जिन पे हमें फोकस करना है। तो जो हमारा सही आंसर मिलने के चांसेस क्या है हमारे, 50% बढ़ गए हैं, ठीक है। ये एक मेथड होता है क्वेश्चन सोल्व करने का, ये बहुत हेल्पफुल होता है। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड स्टेटमेंट पे, ये कह रहे हैं द इन्वर्जन, जबकि ये इन्वर्जन हेटरोजाइगोट अंडरगोइंग अ सिंगल क्रॉसओवर इवेंट ही दिखा रहा है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट देखिए, द इन्वर्जन डज नॉट अलाउ क्रॉसिंग ओवर टू अकर, सो इवन इफ अ क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड इट विल फेल टू अकर। ये कह रहे हैं कि इन्वर्जन के टाइम पे क्रॉसिंग ओवर हो ही नहीं सकती, और अगर होगी होगी भी तो क्रॉसिंग ओवर क्या हो जाएगी, वो स्टार्टिंग में ही फेल हो जाएगा, ठीक है। इनिशिएट तो हो जाएगा पर फेल हो जाएगा। चलिए मैं आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट में बताती हूँ अपने। देखिए क्या होता है,
इफ टू मतलब इसमें क्या होता है इन्वर्जन में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होता है ना उसमें ब्रेक हो जाता है, ठीक है। आप इन्वर्जन समझ रहे हो ना, कोई चीज उल्टी हो गई, इन्वर्ट हो गई, मतलब दो ब्रेक हुए क्रोमोसोम में, सिंगल क्रोमोसोम की बात कर रही हूँ। तो समटाइम क्या होता है, उसके बीच के जो रीजन होते हैं ना बिटवीन द ब्रेक्स, वो रोटेट कर जाते हैं 180 डिग्री में बिफोर रीज्वाइनिंग विद द टू एंड्स फ्रेगमेंट। सच एन इवेंट वो क्या कॉज करता है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जिसको क्या कहते हैं इन्वर्जन। देखिए जैसे मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये क्या है हमारा, मैं इसी के रेफरेंस में दिखा रही हूँ, ए बी सी डी था, पर यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ सी यहाँ से कट हुआ और डी के यहाँ से कट लगा, तो ये क्या हो गया, आपस में इन्वर्जन कर गया, रीज्वाइनिंग होगी। रीज्वाइनिंग में क्या हुआ, ए बी के साथ डी आ गया और सी आ गया, बट यहाँ पे देखिए क्या हुआ, सिर्फ इनका इन्वर्जन हुआ है, पर कोई भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डिलीट नहीं हुई है, ठीक है, ना ही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एड हुई है। तो इसका मतलब क्या है, अनलाइक डिलीशन एंड डुप्लीकेशन, इन्वर्जन डज नॉट चेंज द ओवरऑल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी जो है इन्फॉर्मेशन डिलीट नहीं हुई है, वो कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब हमारी ये जो स्टेटमेंट है, सेकंड है ना, इन्होंने जो थर्ड स्टेटमेंट दी है वो भी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ठीक है। तो सी ऑप्शन भी क्या है, अब हम अपने इसमें से एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा, अब देखिए आपको आंसर ऑलरेडी मिल चुका है, पर मुझे आपको सारा कुछ समझाना है। अब इन्होंने बोला है, द क्रॉसिंग ओवर इज कंसिडर्ड सप्रेस्ड बाय द इन्वर्जन एज द एसेंट्रिक क्रोमोसोम विल नॉट सेग्रीगेट नॉर्मली। देखिए ये इन्होंने बोला है कि इन्वर्जन से हो जाएगा, मतलब सप्रेस हो जाएगा, क्योंकि एसेंट्रिक क्रोमोसोम है ना सेग्रीगेट नहीं हो पाएंगे नॉर्मली। बट हमारा फोकस क्या है, हमें इस पिक्चर से ही कंक्लूड करना है, ठीक है। अगर नॉर्मली एसेंट्रिक कंडीशन होती तब तो ये पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि देखिए क्या होता है, मैं आपको एसेंट्रिक और जो है ना डाइसेंट्रिक होता है उनका कॉन्सेप्ट भी बताती हूँ। जो डाइसेंट्रिक और एसेंट्रिक क्रोमेटिड्स होते हैं ना, वो अनेबल होते हैं मूव, मतलब वो प्रॉपरली ना पोल की तरफ मूव नहीं कर पाते जब एनाफेसिस में सेपरेशन होता है ना, और उसकी वजह से क्या होता है, जो एसेंट्रिक क्रोमेटिड होते हैं वो अटैचमेंट साइड और मतलब है ना, तो क्या होता है, देखिए जब डाइसेंट्रिक और एसेंट्रिक क्रोमेटिड होगा तो सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज है इनके होने की क्या होगी, कि जो पोल की तरफ मूवमेंट होते हैं ना ड्यूरिंग द एनाफेस, वो हो नहीं पाएगी, ठीक है। और एसेंट्रिक में क्या होता है, आपको समझ गए, एसेंट्रिक मतलब सेंट्रोमियर एब्सेंट है, जब सेंट्रोमियर एब्सेंट होगा तो वहां पे क्या होगा, स्पिंडल फाइबर्स के अटैचमेंट के लिए उसको कोई जगह नहीं मिलेगी क्रोमोसोम में, ठीक है। तो डाइसेंट्रिक में क्या होगा, मतलब पुलिंग फोर्सेस होंगी, वाइल्ड डाइसेंट्रिक में क्या होगा, दोनों जगह से अटैच हो रहा है वहां पे, है ना, जो है हमारा स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जा रही है, तो वो क्या होगा, उसको बीच बीच में ब्रेक कर देगा, तब भी क्या हो पाएगा कि प्रॉपरली सेल का डिवीजन नहीं हो पाएगा। एसेंट्रिक में तो क्या है कि उसको क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर नहीं मिलेगा, तो जो स्पिंडल फाइबर्स हैं जो अटैच होते हैं है ना सेंट्रोमियर से, उसके सेंट्रोमियर पे अटैच होते हैं, फिर वो है ना क्रोसिस्टोक्रोमेटिड्स को हाफ हाफ सेपरेट करते हैं, वो पॉसिबिलिटी नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। और डाइसेंट्रिक में क्या होगा, दो सेंट्रोमियर होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, क्रोमोसोम ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो डी ऑप्शन था, उन्होंने बोला था द क्रॉसिंग ओवर इज कंसीडर्ड सप्रेस्ड बाय द इन्वर्जन एज द एसेंट्रिक क्रोमोसोम विल नॉट सेग्रीगेट नॉर्मली। देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे हमें इसी फिगर के रेफरेंस में बात करना है, यहाँ पे तो एसेंट्रिक क्रोमोसोम बन ही नहीं रहा था, तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट भी हमारी डी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ठीक है। अच्छा, अब ई स्टेटमेंट की तरफ आते हैं, उन्होंने बोला ऑल द गैमेट फॉर्म्ड विद क्रॉस ओवर क्रोमेटिड्स एट द एंड ऑफ द मियोसिस विल नॉट बी वायबल ना विल नॉन वायबल एज दे कैरी लार्ज डिलीशन और डुप्लीकेशन। ऑब्वियसली हमने देखा यहाँ पे जो जीन्स हैं, हमें ये जो है ना इनकी लोसाई बताई गई है क्रोमोसोम पे, इट मींस कि वो इम्पॉर्टेंट है, वो जीन की पोजीशन के अकॉर्डिंग होता है, हमें पता है एक क्रोमोसोम पे सेवरल जीन्स लाई करते हैं, अगर किसी में भी वो जीन है लाइक वो अगर उसके है ना किसी पर्टिकुलर डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के लिए रिक्वायर्ड है, अगर वो नहीं होंगी या फिर अगर वो ज्यादा अमाउंट में होगी तो क्या होगा, जो है ना जो सेल्स हैं जो है वो नॉन वायबल होंगे, जो गैमेट्स होंगे वो नॉन वायबल होंगे, ठीक है, उनकी डेथ हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, सही हो गई है, क्योंकि म्यूटेशन है ना, बॉडी का भी अपना सिस्टम होता है, सेल्स का अपना सिस्टम होता है, कि जो म्यूटेशन होता है वो भी कोशिश करता है कि उसको इलिमिनेट कर दिया जाए, ठीक है। अब क्या है, द गैमेट्स हैविंग द नॉन क्रॉसओवर, इट मींस जो पेरेंटल क्रोमेटिड है वो क्या कर जाएंगे, विल सर्वाइव विच ओके। तो ऑब्वियसली जो पेरेंटल होंगे, जैसे कि ये जो इसका इनर वाला है, इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है, तो ये क्या कर जाएगा, इसमें सब कुछ अपना नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है, इसमें आई एच सी डी ई एफ जी ए बी सब कुछ है, ये क्या है, नॉर्मल है, तो ये वाले क्रोमेटिड्स क्या कर जाएंगे, सर्वाइव कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है। तो एफ स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो गई, सही हो गई। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, फोर्थ, जिसमें ए ई एफ, ठीक है। हमें पता है यहाँ पे डिलीशन डुप्लीकेशन हो रहा है, यहाँ पे डाइसेंट्रिक एसेंट्रिक बन रहा है, हमें डाइसेंट्रिक और एसेंट्रिक का पता है, जब एनाफेस होगी तो उस टाइम पे क्या होगा कि है ना उनपे जो एसेंट्रिक है उसपे तो जो स्पिंडल फाइबर अटैच नहीं हो पाएगा क्रोमोसोम पे, और डाइसेंट्रिक में क्या होगा, उसको ब्रेक कर देगा, ज्यादा अटैच हो गया, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये मतलब है ना, मतलब डिवीजन ही नहीं हो पाएगा, तो ये सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
एंड ऑफ द मियोसिस में ये नॉन वाइबल नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर आपको समझ आ गया ना, फोर्थ है, ठीक है। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन की तो बात होगी, अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा किससे रिलेटेड है, वो हमारा है, मतलब ये भी हमारा जेनेटिक्स है, वो है ना, जेनेटिक्स से रिलेटेड है ये हमारा, बट क्या है, जैसे फॉरेंसिक साइंस में नहीं होता है, पेरेंटल्स को है ना, ऑफस्प्रिंग को, या क्राइम साइट पे आपको कुछ आइडेंटिफाई करना हो, तो ये हमारा रिलेटेड है, हमें अपने ऑफस्प्रिंग्स को पेरेंट से मैच कराना है, मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, या जो डीएनए टेस्टिंग भी होती है देखने के लिए कि हाँ भाई इसकी इन बच्चों के पापा या मम्मी ये हैं, ठीक है, ये इससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले हमें बताया पॉलीमॉर्फिक डीएनए सीक्वेंस। अच्छा, आप समझ पा रहे हैं ना पॉलीमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, मतलब नॉर्मली तो एक डीएनए सीक्वेंस है, पॉलीमॉर्फिक मतलब जिसमें वेरिएशन हो, ठीक है। जैसे कि एक पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस है, उसको अगर आप दो तीन ऑर्गेनिज्म में चेक कर रहे हो तो वो क्या अपना वेरिएशन दिखा रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है पॉलीमॉर्फिक डीएनए सीक्वेंसेस, दे आर यूज्ड फॉर मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन। ऑब्वियसली कोई चीज डिफरेंट है उसी को तो आप यूज करोगे आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब इन्होंने हमें यहाँ से दो चीजों की बात की है, एक तो शॉर्ट टैंडम रिपीट्स की बात की है, और सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म की बात की है। इन्होंने इन दोनों चीजों को एसटीआर और एसएनपी को यूज किया एज अ पॉलीमॉर्फिक मार्कर। द टेबल शो, यहाँ पे इन्होंने एक टेबल दिया है, उसमें इन्होंने समराइज कर दिया सबका स्टेटस, एक तो ऑटोसोमल एसएनपी, ऑटोसोमल एसटीआर, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल एसएनपी, वाइलिंग्ड एसटीआर, उन्होंने चार इंडिविजुअल्स का दिया है। हमें इसमें से पता करना है कि इनमें से दो, मतलब जो चार इंडिविजुअल है इनमें से पेरेंट्स कौन कौन से है, ठीक है। अच्छा, इन पे इनकी तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार डेफिनेशन बता दूं, एसटीआर और है ना ये एसएनपी क्या होते हैं, आपको पता तो होना चाहिए। एसटीआर, जैसे कि इनका नाम इंडिकेट कर रहा है, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, मतलब कि डीएनए में कुछ रेपिटेटिव सीक्वेंसेस होंगे जो तीन से लेके या दो से लेके 13 न्यूक्लियोटाइड तक की लेंथ के होंगे, ठीक है। मोस्टली शॉर्ट ही होते हैं, जैसे कि मोस्टली 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, 4 न्यूक्लियोटाइड जो रिपीट सीक्वेंसेस होते हैं ये यूज किए जाते हैं। जो एसटीआर होते हैं इनको माइक्रो सैटेलाइट्स भी बोला जाता है, ठीक है, माइक्रो सैटेलाइट्स भी कहा जाता है। ये क्या होता है, रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं, और इनको हम यूज करते हैं, मतलब मैंने आपको ये पहले ही बता दिया कि ये ना 2 to 13 न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स होते हैं, और ये क्या होता है, इनका नंबर क्या होता है, मतलब ये डजन टाइम मतलब ये डजन टाइम से लेके काफी ज्यादा स्ट्रैंड, मतलब एक पर्टिकुलर डीएनए स्ट्रैंड में इनका ये हो सकता है कि ये जो शॉर्ट रिपीट्स है इनका 10 से लेके 20 तक नंबर हो सकता है, मतलब लगातार ये क्या है कि जो शॉर्ट स्ट्रेचर लाइक ए बी है ना, ए टी जी सी है, यही जो शॉर्ट स्ट्रेच है ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये 10 से 12 बार तक रिपीट हो रहा है। एक्चुअली जो शॉर्ट टैंडम रिपीट्स होता है ना, ये पर्टिकुलर होते हैं, लाइक कि अगर जो मम्मी पापा है ना, मेल एंड फीमेल है, उनके जो ऑफस्प्रिंग है, उनके से जो ये रिपीट की टेंडेंसी है ना, ये सेम होगी। एक तो मतलब ये चीज होगा कि कितनी नंबर ऑफ टाइम्स वो रिपीट हो रहा है, और एक वो उस पर्टिकुलर लोसाई की बात होती है, ठीक है, यहाँ पे कि उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे, उसकी पर्टिकुलर साइट पे ये है ना रिपीट हो रहा है, मतलब लाइक अगर ये 13 क्रोमोसोम नंबर पे आ रहा है या 12 क्रोमोसोम नंबर पे आ रहा है, तो उसी के उस पर्टिकुलर लोसाई पे उसका क्या है, रिपीटेशन इतनी ही बार है। तो ये क्या होता है, ये पेरेंटल से, मतलब है ना जो पेरेंट्स होते हैं उनसे बच्चों में आता है, ठीक है। ये क्या किया जाता है, ये यूज किया जाता है टू कंपेयर द स्पेसिफिक लोसाई ऑन डीएनए फ्रॉम टू और मोर सैंपल्स। ऑब्वियसली तभी हम पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में पता कर पाएंगे, ठीक है। ये एग्जैक्ट जो एसटीआर एनालिसिस होता है ना, ये एसटीआर शॉर्ट टैंडम रिपीट एनालिसिस होता है, ये मेजर करता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स, ठीक है। ये तो बात होगी एसटीआर की, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स आप इसके नाम से समझ पा रहे हो, 2 से लेके 13 बेस पेयर तक के न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं बार बार, और ये जो कहता है पेरेंट्स में एक पर्टिकुलर लोसाई में, मतलब क्रोमोसोम पे एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ये है जो रिपीट होते हैं, ठीक है। हमें इन्हीं को आइडेंटिफाई करना होता है इन्हीं के बेसिस पे, कि एक पेरेंट्स में मान लो 10 बार रिपीट हो रहा है वो एटीजीसी, तो जो है बच्चे हैं उनमें भी उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो भी एटीजीसी 10 बार रिपीट होगा, और अगर पेरेंट्स में वो 13 पोजीशन पे है तो वो बच्चों में भी 13 पोजीशन में आएगा। पर हमें पता है पेरेंट्स से मतलब क्या आता है, मदर और फादर दोनों का मिलके बच्चों में आता है, तो इसी वजह से वेरिएशन जनरेशन टू जनरेशन कैरी होती रहती है, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं एसएनपी। एसएनपी क्या, आपके नाम से ही पता चल रहा है, दैट इज अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म मतलब वेरिएशन किस पे, सिर्फ सिंगल न्यूक्लियोटाइड पे। अच्छा, इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो अगर आपकी कोई भी 13 क्रोमोसोम की बात करते हैं, उस पे है ए है किसी पोजीशन पे, ठीक है, उसके मान लो 20वें नंबर पे ए पोजीशन है, तो ठीक है, ये हो गया, ये तो हो गया मतलब एक में, हो सकता है दूसरे जीन में, दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म में वहां पे क्या होगा, या फिर उसी के दूसरे सेल में क्या होगा, ए की जगह क्या होगा वहां पे जी होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होगा, उस एक पोजीशन सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड चेंज हो रहा है, तो दैट इज हमारा सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पे मोस्टली क्या होता है, ये सेम ही ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज की जगह वैसे कंपैरिजन होता है, कि अगर आपकी सेम स्पीशीज है तो उसके आप 2-3 सेल्स को, मतलब 2-3 वो स्पीशीज है जो यहाँ 2-3 ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि पेरेंट्स को ले लिया,
डॉटर को ले लिया, सन को ले लिया, हस्बैंड को ले लिया, तो उसमें क्या करते हैं कि आप देखते हैं सिंगल जो है ना, मतलब है जहां पे नॉर्मली सबके में ए है, प्रेजेंट है, तो उनमें जी प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करके होता है, इसमें सिंगल पे होता है। अच्छा, इसमें दो टाइप के होते हैं जो सिंगल एस एन पी होते हैं, वो या तो ट्रांजिशन होते हैं या ट्रांसवर्जन होते हैं। ट्रांजिशन से आप क्या समझ रहे हो, ये जो प्यूरिन प्यूरिन से रिप्लेस हो रहा है, ए जी से रिप्लेस हो रहा है, सी टी से रिप्लेस हो रहा है, टी सी से रिप्लेस हो रहा है। एक होता है ट्रांसवर्जन, ट्रांसवर्जन क्या हो रहा है, ए टी से रिप्लेस हो रहा है, ठीक है। जब प्यूरिन प्यूरिन से रिप्लेस होगा तो वो ट्रांजिशन कहलाएगा, जब प्यूरिन पिरिमिडिन से होगा तो वो ट्रांसवर्जन कहलाएगा, ठीक है। ये तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब हम इसमें बात करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इन्होंने हमें समराइज कर दिया। आपको पता है ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, 22 ऑटोसोमल होता है, 1 है ना वो सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम होता है। यहाँ पे इन्होंने ऑटोसोमल की बात की है, ठीक है। ये हमें इन्होंने ऑटोसोमल की लिस्ट दे दी, ये है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की और ये हमारी वाई लिंक्ड की। अच्छा, आपको पता है ना जो एक्स वाई होता है सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम, वो एक्स वाई होता है, तो जो वाई हमेशा होता है वो क्या होता है, मतलब मेल का होता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इंडिविजुअल पता करना है, मैं आपको शॉर्टकट वे बताती हूँ। देखिए वाई लिंक्ड है तो ये किस में होगा, हमेशा मेल में होगा। इट मींस कि ये दोनों क्या हो गए, मेल हो गए। हमें मतलब पता चल गया ए और बी में से एक दोनों, मतलब एक फादर है एक मदर है, सॉरी एक सन है। तो आप इनमें से वो रिमूव कर दीजिए, अगर कहीं पे भी ए बी या सी डी ऑप्शन इकट्ठा आ रहा है, इट मींस सी एंड डी और ए एंड बी दोनों सेम पेरेंट नहीं हो सकते, तो इट मींस 4 ऑप्शन जो है हमारा निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे सी एंड डी क्या हो गए, हमारे दोनों हो गए फीमेल, ठीक है, ये क्या हो गए हमारे फीमेल। अच्छा, अब मैं आपको एक और शॉर्टकट बता दूं, इसमें भी देखिए इन्होंने क्या बताया हमें, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। आपको पता है ना माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है वो कहाँ से आता है, वो हमेशा मदर सेल से आता है, मेटरनल डीएनए, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल एसएनपी दी है इन्होंने, इट मींस ये हमेशा मदर से आता है, तो वो मदर से क्या होगा, मदर से ही दोनों बच्चों में जाएगा, ठीक है। तो इट मींस मदर और दोनों बच्चों का सेम होगा एसएनपी, और फादर का क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो आप एसएनपी देख पा रहे हो, एसएनपी 1 है जो, ये सी 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 है, इट मींस फादर को भी, जो भी फादर होगा उसमें, उसको भी उसकी मदर से सी ही मिला है, ठीक है। तो एटीजीसी है, कहीं से भी आ सकता है, कुछ उन मदर का भी वो हो सकता है, ग्रैंड मदर का भी। बट आप यहाँ पे देखिए दूसरी वाली एसएनपी को, ये सिर्फ ए में डिफरेंट है, बाकी तीनों में सेम है। इट मींस कि ये तीनों क्या है, मदर से रिलेटेड है, मतलब इसमें एक मदर है और दो, मतलब एक मेल है एक फीमेल है। तो हमें पता है बी क्या है, मेल, तो बी क्या हो गया हमारा, है ना, सन हो गया, और ए रिमेनिंग है, तो ये हमारा क्या हो गया, फादर हो गया, ठीक है। ये तो मतलब एक शॉर्ट ट्रिक है, लाइक आपके आंसर को, मतलब आपको कंफर्म करने के लिए कि फादर कौन सा है, तो एटलीस्ट हमें इस टेंशन से खत्म हो गया कि हाँ हमारा फादर कौन सा है, ठीक है। तो इट मींस कि हमारा फादर हो गया ए, तो आप ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है इसको भी इलिमिनेट कर दीजिए। अब मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताती हूँ। देखिए जब भी आपको ना हमेशा माइटोकॉन्ड्रियल हो या फिर वाई लिंक्ड हो, तो इनसे आप पूरा एनालिसिस नहीं कर सकते हो, क्यों, माइटोकॉन्ड्रियल में क्या होता है, हमेशा मेटरनल जीन होती है, ठीक है, और वाई जो होता है हमेशा पेरेंट से आता है, मतलब फादर से आता है, तो इनसे आप प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर सकते, इसलिए हमें ऑटोसोमल से एनालिसिस करना पड़ता है। पर अगर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत सही ट्रिक है, क्योंकि आप वाई लिंक से आराम से पता कर लोगे मेल कौन सा है, और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से पता कर लोगे कि कौन सा मदर है और मदर से रिलेटेड कौन से उसके ऑफस्प्रिंग है, ठीक है। यहाँ पे हमारी देखिए 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, हमें पता चल चुका है कि ए हमारा फादर है, ठीक है। तो देखिए ये सब ट्रिक्स भी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि हमें एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना होता है। अच्छा, अब हम बढ़ते अपने आगे के टॉपिक की तरफ, है ना, मतलब इसी में मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे कंफर्म करेंगे। देखिए ऑटोसोमल क्या होता है, हमें पता है ऑटोसोम्स, ये मतलब क्रोमोसोम होते हैं 1 to 22, ये इनहेरिट होते हैं फ्रॉम द बोथ द पेरेंट्स, और ये मतलब और रिसेंट एंसेस्टर से, मतलब ग्रैंड पेरेंट से। द एक्स क्रोमोसोम फॉलोज अ स्पेशल इनहेरिटेंस पैटर्न, हमें पता है मतलब वो मदर से फीमेल फादर दोनों से मिलकर आता है, ठीक है। अब आता है वाई डीएनए, वाई डीएनए हमें पता है किससे आता है, सिर्फ मेल से, विच इज इनहेरिटेड फादर टू सन, हमें पता है फादर टू सन जाता है, तो ये एक सिर्फ मेल्स को लिए होता है, मेल्स टू एक्सप्लोर देयर डायरेक्ट पेरेंटल लाइन, मतलब वाई किस लिए होता है, पेरेंटल लाइन को, है ना, एक्सप्लोर करने के लिए। और जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है वो किससे होता है, मदर से, तो वो मेटरनल के लिए होता है, ठीक है, इसीलिए ऑटोसोमल का लिया जाता है। अब हमें पता है कि वो इनहेरिट करता है, मतलब जो ये है ना, ये ए है हमारा फादर है, बी हमारा सन है, हमें ऑलरेडी पता चल गया। तो इसको देखिए एसएनपी है ये, इसके पास जो आएगा मदर और फादर दोनों से आएगा, ठीक है। तो इसको देखिए अब हम इसी पे फोकस करते हैं, पहले ये हमारा फादर है, फादर का हमने एसएनपी लिया, हमें पता है सी सी एस टी आर क्या है, 13 12, हमें पता है वहां पे पीछे हमें दिया हुआ है एस टी आर 13 एंड 12, ठीक है। तो इसी को हम बनाते हैं इनके गैमिट्स, नॉर्मल हम जैसे जेनेटिक्स में करते हैं, एक हो गया सी सी एस टी आर 13 12, ठीक है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले मैं आपके साथ सी ऑप्शन को सॉल्व करूंगी, इसमें हमारा एस एन पी क्या है, सी जी, और ठीक है एस टी आर क्या है 14 13,
तो यहाँ पे भी आप देखिए हमारा क्या बन गया, मदर, ठीक है, सी जी एस एन पी, तो इसमें भी गेमिट बनाया सी एंड जी, एस टी आर 14 13, तो जब देखिए इनके इन दोनों को मिला के हमारा सन एंड डॉटर बनेंगे। आप देख सकते हो सन, सन की एस एन पी क्या आई हमारी, हमें पता है वहां पे हमारा सन का एस एन पी क्या था, सी एंड जी। वो किस केस में पॉसिबल है, जब ये सी एंड जी मैच हो और डॉटर का सी एंड सी, ये जो रेड कलर से इंडिकेट कर रहे हैं इसका मतलब गेमिट किसने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, मदर ने, ठीक है। तो ये देखिए हमारा बन गया, और यहाँ पे 13 12, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये 13 है ना, यहाँ पे सन के केस में क्या है 13 13, ठीक है। एक मिनट ओके, देखिए, और डॉटर को क्या मिला, सी सी, मतलब डॉटर को सी यहाँ से फादर से मिला और मदर से मिला, ठीक है, और उसके पास क्या था 13 14, तो इसको 14 तो है ना वो मदर से मिल गया और 13 इसको फादर से मिल गया, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये हमारा क्या हो गया, ऑप्शन ए एंड सी करेक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एक वही कॉम्बिनेशन है जिससे हमें ये मिल पा रहा है। अगर हमारा कॉम्बिनेशन हो रहा है कि अगर हम ये ले रहे हैं डी ले रहे हैं एज अ मदर, तो बट जो सन है उसको जी कहाँ से आएगा, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम डी ए ले रहे हैं तो इससे हमें कोई इश्यू नहीं हो रहा है, एसटीआर से नहीं, बट हमें यहाँ कहाँ से हो रहा है, हमें एसएनपी से प्रॉब्लम हो रहा है कि जो है ना सन है उसको जी कहाँ से कॉन्ट्रीब्यूट होगा, तो वो जी कहाँ से मिलेगा उसको, जी उसको मिलेगा मदर से, तो हमारा ऑप्शन ए एंड सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। देखिए जैसे मैंने आपको इसमें शॉर्टकट बताया, आपको 13 13 से पता चल जाएगा मेल कौन सा है, ठीक है, और ये इससे पता चल जाएगा पैटर्नल से, मतलब सन कौन सा है, ठीक है, सॉरी मेटर्नल से आपको पता चल जाएगा सन कौन सा है, तो हमें सिर्फ इन दोनों ऑप्शन में से चूज करना है। तो अगर आपको डायरेक्टली भी करना हो तो आपको देखो कि सन को पास सी एंड जी है, अगर उसको सी एस एन पी मदर से मिल गई तो जी एस एन पी कहाँ से मिल, सॉरी फादर से मिल गई तो जी एस एन पी कहाँ से मिलेगी, ऑब्वियसली मदर से, तो इट मीन्स अगर ये सी सी होगा तो ये डी है, जो अगर डी हम इंक्लूड सोचे कि अगर ये मदर है तो उसको जी कहाँ से आएगा, तो इससे ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको अभी ये समझ आ गया है कि हमें ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, मतलब तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा किससे रिलेटेड है, ये भी हमारा है कॉन्जुगेशन से, जो बैक्टीरिया होता है ना उसमें ट्रांसफर होता है जीन्स का, ये हमारा उससे रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे हमें बात करनी है एच एफ आर स्ट्रेन की और एफ स्ट्रेन की, ठीक है, एफ नेगेटिव की एफ स्ट्रेन की। देखिए सबसे पहले क्या होता है, हमें पता है दो टाइप की स्ट्रेन होती है, ठीक है, एक तो होता है एफ पॉजिटिव होता है, एक होता है एफ नेगेटिव होता है। एफ पॉजिटिव मतलब हमें पॉजिटिव से पता है उसके पास कुछ स्पेशल चीज प्रेजेंट है, ठीक है, इट मीन्स कि एफ पॉजिटिव के पास क्या है, फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट है। और व्हाट इज द एफ नेगेटिव, एफ नेगेटिव इट मीन्स कि इसके पास जो फर्टिलिटी फैक्टर है प्रेजेंट नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज डिनोमिनेटेड एज एफ नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा ये तो बात हो गई एफ पॉजिटिव एफ नेगेटिव की, नाउ यू पीपल आर थिंकिंग अबाउट दैट व्हाट इज द एचएफआर, दैट इज द हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन स्ट्रेन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, जो एफ फैक्टर होता है ना, हमें पता है बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया में एक प्लाज्मिड होता है, क्रोमोसोमल होता है, उसका अपना पर्टिकुलर डीएनए होता है ना, जेनेटिक मटेरियल होता है, और एक क्या होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, दैट इज एफ फैक्टर है ना, प्लाज्मिड जो फर्टिलिटी कंटेनिंग है उसको एफ फैक्टर बोला गया, ठीक है, फर्टिलिटी फैक्टर कंटेनिंग। जब क्या होता है नॉर्मली, जब कुछ स्ट्रेन में क्या होता है, जब एफ फैक्टर होता है वो इंटीग्रेट हो जाता है होस्ट के क्रोमोजोम के साथ, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन स्ट्रेन, ठीक है, उसको एच एफ आर कहा जाता है। इट मीन्स देखिए नॉर्मली भी क्या है कि रिकॉम्बिनेशन की एक टेंडेंसी होती है फर्टिलिटी फैक्टर की, क्योंकि वो इंटीग्रेट हो जाता है जब कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होता है, पर जब हमने है ना, जब एफ फैक्टर ही हमारा होस्ट क्रोमोसोम के अंडर इंसर्ट कर गया, तो उस टाइम पे जो है ना रिकॉम्बिनेशन की फ्रिक्वेंसी है क्या, वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, तो ये होता है एच एफ आर। अच्छा भाई, इन्होंने हमें क्वेश्चन में पर हमें क्या दिया गया था, उन्होंने हमें दिया था कि यूजिंग इंटरप्रेटेड इंटरप्टेड मेटिंग Four HFR strains were analyzed for the sequence in which they transmitted a number of different genes to F strain. मतलब इन्होंने बोला था कि इन्होंने है ना इंटरप्ट करके मेटिंग देखा कि four HFR strain है वो एनालाइज किए गए, वो ट्रांसमिट करे नंबर ऑफ डिफरेंट जीन्स टू F strain. Each HFR strain है वो देखा गया कि वो ट्रांसपोर्ट उनका एक यूनिक ऑर्डर है, और यहाँ पे सिर्फ हमने फर्स्ट फाइव जो है जीन्स को ही स्कोर किया है। देखिए ये क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 हमारी दिखा रही है चार स्ट्रेन को, और ये फर्स्ट क्या शो कर रहा है, ऑर्डर ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब सबसे पहले ए अंदर गया, सबसे लास्ट में क्या था एच इंसर्ट हुआ था, ठीक है। तो हमें इन चारों में से बताना है कौन सा वाला है वो जो ओरिजिनल दिखा रहा है सीक्वेंस। चलिए इसके लिए हम सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्ट्रेन की। फर्स्ट स्ट्रेन में देखिए सीक्वेंस क्या है, ए बी डी एफ एच, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे कैसे इसका ट्रांसफर हुआ, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये हमारा है ना बैक्टीरिया है, मतलब उसके अंदर जो गया
सबसे पहले क्या गया ए, फिर आया बी, फिर डी, फिर एफ, फिर एच। अच्छा अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या था, अब नेक्स्ट में मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे बनाया। नेक्स्ट वाले में उन्होंने बोला है पहले बी गया, फिर ए गया, फिर क्या एल आया। देखिए बी ए एल, अब हमें पता है बी यहां से है, मतलब ऑलरेडी पहला वाला एंटर कर चुका है, तो इट मींस यहां से देखिए ये एंटर कर चुका है बी, बी ए डी एफ एच एंटर कर चुका है। तो इट मींस अगर एल दोबारा दूसरे वाले सीक्वेंस में हमें एल दिखाया जा रहा है, तो इसका मतलब वो कहां पे आएगा, ऑब्वियसली जो एल है वो किसके बाद आ रहा है, ए के बाद आ रहा है, ठीक है। तो हमारे इसमें भी क्या होगा, जो हमारा एल है वो ए के बाद आएगा, फिर यहाँ पे आएगा एम, फिर आएगा के, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे आ गया। अब उन्होंने तीसरे स्ट्रेन की बात करी, साइमल्टेनियसली हम देख लेंगे कि कौन सा वाला सीक्वेंस आ रहा है, वहां पे जो सीक्वेंस आ रहा है वो के बाद आ रहा है, ठीक है, दैट इज अ जे। तो हमें पता है के कहाँ पे लोकेट कर रहा है, हम एक्चुअली बीच बीच में ऐड करते जाएंगे। देखिए जैसे सबसे पहले जो फर्स्ट वाला था उसको आप किसी भी ओरिएंटेशन में ऐसे करके लिख सकते हैं, अभी तो फिलहाल लिख रहे हैं ना, ओरिएंटेशन की बात नहीं कर रहे हैं, आपने उसको लिख लिया। फिर अगर उन्होंने बताया कि बी के बाद ए आ रहा है, एल आ रहा है, एम आ रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी पोजीशन कैसे होगी, इसके ऑपोजिट में होगी, ठीक है, तभी तो, क्योंकि आप उसको बीच में थोड़ी इंसर्ट करोगे, वो ए के बाद आ रहा है ना, तो ऐसे ही करके। फिर ऐसे ही उन्होंने सेकंड की बात की थी, वो भी क्या था, एल एम था, तो ऑलरेडी हम तो एल एम का बता चुके हैं ना, एल एम के जे है ना जी, तो ये हमारा क्या हो गया, ऐसे हमारा एक करेक्ट सीक्वेंस हो गया, जैसे जैसे वो इंसर्ट होता जाएगा, ये आप अपने उसमें क्वेश्चन में देख भी सकते हो, ठीक है। अब हमें सबसे पहले ये देखना है, जो मैंने ओरिएंटेशन बताई कि वो हमारे क्वेश्चन में किसमें लाई करती है, आप देख सकते हैं ए बी डी एफ एच, ये देखिए ए बी डी एफ एच, पर यहाँ तो ओरिएंटेशन पहले ही गलत हो गई, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ए बी डी एफ एच, ठीक है, यहाँ पे फिर बी ए एल एम के, ये ठीक है, फिर एम के जे जी एच, और ऐसे ही फिर एफ एच जी, ये भी हमारा ठीक है, और इसमें भी आप देख सकते हैं इसमें भी सेम है, ये भी करेक्ट है, बट इसमें देखिए इसमें भी हमारा क्या हो गया ए बी डी एच एफ, यहाँ पे क्या फर्स्ट वाला जो है ना सीक्वेंस है उसी का ओरिएंटेशन इन्होंने गलत दे दिया, तो इसका मतलब हमने वन एंड फोर ऑप्शन थे जो उनको इलिमिनेट कर दिया, बट नाउ वी आर मूविंग टू सेकंड एंड थर्ड। अब देखिए हमें 50-50 ऑलरेडी हो गया, हमें हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे, अब हमें इसमें से सिलेक्ट करना है कि हमारा कौन सा वाला सही है और कौन सा गलत है। देखिए बहुत ही आसान है, हमें क्या पता है, इन्होंने बोला ये ऑर्डर ऑफ ट्रांसमिशन है, इसका मतलब हमें उसको ओरिजिनल स्ट्रेन में पता है, पता करना है कि उसकी ओरिएंटेशन क्या थी। इन्होंने बोला है कि सबसे पहले जो ए बी सी डी, मतलब ये जो ए है ये इसका ओरिएंटेशन पहले था, अगर हम देखा जाए इसकी बात करें, चलो हम पहले सेकंड वाले की बात करते हैं, इसमें इन्होंने बताया ए बी डी एफ एच, अगर इसके यहाँ पे ओरिएंटेशन इन्होंने फर्स्ट नंबर दिया, इट मींस जब वो ट्रांसफर करेगा तो यहाँ से ट्रांसफर करेगा एच से, अगर वो एच से ट्रांसफर करेगा तो वो तो सबसे लास्ट में दिखा रहा है, तो वो पहला कैसे हो सकता है, तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। पर जब हम थर्ड की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए उन्होंने ये जो ओरिएंटेशन बनाई है फर्स्ट के लिए, इसका मतलब है कि जब ये यहाँ से ट्रांसफर करेगा अपने ओरिजिनल से, तो क्या होगा, सबसे पहले क्या ट्रांसफर होगा, ए, तो कौन सी वाली ओरिएंटेशन होगी, ये वाली, क्योंकि ये इस ओरिएंटेशन में मूव कर रहा है, ठीक है, सबसे पहले ए करेगा, फिर बी, फिर डी, फिर एफ, फिर एच, ठीक है। साइमल्टेनियसली आप सेकंड के लिए देख सकते हो, इन्होंने बोला है बी, सबसे पहले जब ये यहाँ से मूव करेगा तो क्या करेगा, बी मूव करेगा, ठीक है, तो ओरिएंटेशन हमारी किसकी होगी, बी की तरफ, ठीक है, तो ये बी हो गया। ऐसी एम की तरफ, फिर एम भी क्या होगा, सबसे पहले ट्रांसफर करेगा। देखिए जो सबसे पहले आ रहा है ना, वो अगर उसको किसी फर्स्ट पोजीशन में आना है, तो इट मींस कि वो जब है ना कॉन्जुगेशन होगा, तो वो एक सेल से, मतलब जो डोनर सेल है उससे जो रिसिपिएंट सेल में जाएगा, तो सबसे पहले ट्रांसफर होगा, तो इसकी ओरिएंटेशन आप समझ सकते हैं क्या होगी, सबसे पहला होगा, तो हमारा ऑप्शन थ्री क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो स्ट्रेन वाले है ना, कॉन्जुगेशन वाले, क्वाइट इंपॉर्टेंट है, मतलब ये पूछा जाता है, ये जब से हमारा 2011 से हमारा ऑब्जेक्टिव हुआ है, तब से ये ऐसे वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, ये 2012-13 ये बहुत बार पूछे गए, तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो स्ट्रेन में जो ऑर्डर फर्स्ट है वो सबसे पहले ट्रांसफर होगा, तो उसका ओरिएंटेशन ही पहले आएगा, ठीक है। अगर ओरिएंटेशन एच वाला हम कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, एच सबसे पहले एंटर कर जाएगा, पर कि वो जो हमें दिया हुआ है क्लियरली ऑर्डर ऑफ ट्रांसमिशन नहीं है। तो ये क्वेश्चन क्वाइट ईजी है, आप इस मेथड से इसको कर सकते हैं कि आप उसको एक एक करके लाई करें, फिर आप देखिए कि हाँ कौन सा वाला किसके बाद आ रहा है, तो आपको आराम से ओरिएंटेशन पता चल जाएगी, ठीक है। अब हम अपने बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा किससे रिलेटेड था, ये हमारा है ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन, इन्होंने दी है, वो अफेक्ट करती है 1 newborn in 10,000 इन अ रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन। ये हमारा जो टॉपिक है ना, ये हमारा पॉपुलेशन जेनेटिक्स से रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि उसमें पॉपुलेशन की बात की गई है। इन्होंने बोला ऑटोसोमल रिसेसिव, आपको पता ना एक तो डोमिनेंट होता है, रिसेसिव होता है,
रिसेसिव में क्या होता है, जब वो होमोजाइगस कंडीशन में आते हैं ना, जो रिसेसिव जीन्स होती हैं लाइक स्मॉल आर, जब वो इकट्ठे आएंगे तभी वो कोई डिजीज कॉज कर पाएंगे। क्योंकि पता है ना, क्योंकि रिसेसिव कंडीशन मोस्टली डिजीज के लिए होता है, इसीलिए नेचर ने ऐसी कंडीशन की है कि जो रिसेसिव है, जब वो दोनों जीन्स इकट्ठे होंगे तभी वो अपना इफेक्ट दिखा पाएंगे, दोनों एलील्स इकट्ठे आएंगे, ठीक है। पर यहाँ जो डोमिनेंट होता है वो क्या होते हैं, अगर वो, इसलिए जो डोमिनेंट होते हैं ना, ऑटोसोमल हो या सेक्स लिंक्ड हो, वो हमेशा लीथल होते हैं। रिसेसिव क्या होते हैं, ऑटो, जैसे रिसेसिव होता है वो फिर भी जिसमें जो कैरियर होता है ना, वो सर्वाइवल होता है। डोमिनेंट होता है उसमें तो कैरियर का सवाल ही नहीं होता, उसमें तो जिसको वो सिंगल जीन भी प्रेजेंट है वो क्या हो गया ना, उसमें डिफेक्ट आ गया, ठीक है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन यहाँ पे बता रहे हैं 1 newborn in 10,000, मतलब एक प्रोबेबिलिटी काइंड ऑफ बता रहा है, ठीक है, विदाउट एनी डिसरप्टिंग एक्टिंग फोर्स, ठीक है। व्हाट इज द, हमें बताना है कि अप्रोक्सीमेटली एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ठीक है। देखिए, जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स होता है ना, ये हमारा यूज आता है, मतलब पॉपुलेशन जेनेटिक्स के बहुत सारे रोल होते हैं, इसको हम ये यूज कर सकते हैं, या तो हम कैरियर फ्रीक्वेंसी को डिटरमिन करने के लिए, एक हम ये भी देख सकते हैं कि जो हमारी जो पॉपुलेशन है इसमें जो पर्टिकुलर जेनेटिक ट्रेट है या पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जीनोटाइप की, उसका नंबर इंक्रीज या डिक्रीज तो नहीं हो रहा। एक्चुअली हम यहाँ पे पॉपुलेशन जेनेटिक्स में ना कभी भी नंबर की बात नहीं करें, नंबर तो बहुत वेरी कर जाता है, हम हमेशा फ्रीक्वेंसी की बात करते होते हैं, ठीक है। नंबर चेंज हो सकता है, नंबर कभी भी ज्यादा या कम हो सकता है, पर हम हमेशा फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में हम क्या है, हम बता पाते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है। अब हमें इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, कैरियर फ्रीक्वेंसी को डिटरमिन करना है, और पॉपुलेशन जेनेटिक्स की हेल्प से कर सकते हैं। और जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स है ना, ये हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल पे मतलब बेस्ड होता है। एक्चुअली अब हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल क्या होता है, इसमें ये बताता है द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ जीनोटाइप रिमेन सेम इन द सेकंड जनरेशन। इट मींस कि अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 10% है पहली जनरेशन में, तो जो सेकंड जनरेशन आएगा उसमें भी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, 10% ही रहेगी। देखिए, अगर आप नंबर पे जाओगे, नंबर में वेरिएशन लार्ज स्केल पे हो सकता है, पर जो फ्रीक्वेंसी रहती है ना, हमेशा वो मोर और लेस सिमिलर रहता है। तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स हमें इसी चीजों में हेल्प करता है कि एक तो हमें फ्रीक्वेंसी जीनोटाइप की देखना कि उसकी सेम रह रही है कि चेंज हो रही है, ठीक है, और एक हमें कैरियर फ्रीक्वेंसी देखना। अब यहाँ पे क्या है, हमें कैरियर फ्रीक्वेंसी ही देखनी है, ठीक है। इन्होंने ऑटोसोमल रिसेसिव की बात की है, तो मतलब एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव कंडीशन है, तो ये हमारा क्या होगा, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डाई एलीलिक होगी, ठीक है। जब डाई एलीलिक होता है तो इसमें 2 एलील्स होते हैं, एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी प्लस क्यू स्क्वायर होल द होल स्क्वायर, ठीक है, जो मैथ्स में पढ़ते थे ए प्लस बी होल स्क्वायर, वही वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे पी एंड क्यू इसलिए लिया गया क्योंकि क्रोमोसोमल की शॉर्ट आर्म एंड लॉन्ग आर्म होते हैं ना, उसी के बेसिस पे, ठीक है। पी स्क्वायर मतलब डोमिनेंट के लिए होता है, प्लस 2pq, 2pq इज फॉर फ्रीक्वेंसी, प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पी क्या शो करता है, डोमिनेंट के लिए, और क्यू हमारा क्या करता है, रिसेसिव के लिए, ठीक है। अब हमें क्या बात करना है, इन्होंने हमें बताया ऑटोसोमल रिसेसिव फ्रीक्वेंसी, हमें क्योंकि इन्होंने ऑटोसोमल की बात की, रिसेसिव की, मैंने आपको बताया क्यू क्या है, रिसेसिव के लिए, तो क्यू स्क्वायर क्या हुआ, इज इक्वल टू 1/10,000, ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब क्यू क्या हो गया हमारा 1/100, क्योंकि वो क्यू स्क्वायर था, हमने इसको स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लिया, तो क्यू क्या आया हमारा 1/100। इसका मतलब हमारा पी क्या आया, एज वी नो दैट पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, तो पी हमारा क्या हो गया 99/100। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट देयर कैरियर फ्रीक्वेंसी, और कैरियर फ्रीक्वेंसी किसके थ्रू निकलेगी, 2pq के थ्रू, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, 2 × p की वैल्यू इंटू 100, तो 1/100। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या आएगी, 1/50, इट मीन 1/50 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन इन्होंने दिया था, हमारा ऑप्शन था 1/50 न्यू बॉर्न। तो हमें कैरियर फ्रीक्वेंसी देखना था, ये डिजीज नहीं हुई है, डिजीज तो 10,000 में से एक को हुई है, पर कैरियर, इट मीन्स कि जैसे कैरियर क्या है, 50 में से एक बच्चे को चांसेस है कि उसको वो कैरियर हो जाए, क्योंकि ये क्या, रिसेसिव करेक्टर। अगर डोमिनेंट होता तो डोमिनेंट में क्या है, वो जिसमें भी वो जीन जाएगी उसमें कैरियर वाला कॉन्सेप्ट आता ही नहीं, उसको सीधा डिजीज हो जाती है, ठीक है, तो उसके लिए सीधा लीथल कंडीशन हो जाती है। तो मुझे मतलब आपको, आई होप कि आपको ये समझ आएगा जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट। देखिए, इसमें जो जो ये आज मैंने आपको क्वेश्चंस कराए, उसमें मेन ये चीजें थी कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही थी, ठीक है, चाहे वो क्रॉसिंग ओवर का कॉन्सेप्ट था जो पैकाइटिन स्टेज में हो रहा था, उसमें भी क्या था कि उसमें कॉन्सेप्ट था कि सेंटोमियर और एसेंट्रिक कंडीशन था, और जीन्स का ट्रांसफर हो रहा था, ठीक है, डिलीशन हो रहा था, डुप्लीकेशन हो रहा था। फिर जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए थे अपने, उसमें क्या था ना, हमें ये जो क्रॉसिंग ओवर वाला कॉन्सेप्ट था, गमेट्स वाले कॉन्सेप्ट को ही डिटेक्ट करके पता करना था कि मदर एंड फादर कौन सा है, सन एंड डॉटर कौन सा है, ठीक है। तो उसमें तो हमें सबसे इजी था, हमने मेटरनल इनहेरिटेंस को चेक किया, उससे हमें पता चल गया कि फादर अलग है, फादर का जो मेटरनल इनहेरिटेंस है क्योंकि उसको अपनी मदर से मिला, दैट इज ग्रैंड मदर, है ना।
और मतलब ग्रैंड मदर उसकी नहीं, ग्रैंड मदर बच्चों के, ठीक है। और जो है ना मेटरनल इनहेरिटेंस है, जो मेटरनल एसएनपी है, वो मदर और बच्चों की सेम होगी, तो उससे हमें फादर आराम से पता चल गया था। फिर हमने उसको जब गैमेट्स बनाए, गैमेट्स को हमने सेपरेट करके देखा, तो हमें आराम से पता चल गया कि जो है ना मदर को और फादर को जो भी उनके गैमेट्स मिले थे, जो सेल्स थे, उनसे उनको अपने है ना मतलब एसएनपी और वो मिले थे, ठीक है। तो इट मीन्स हमें वहां से पता चल गया था कि अगर मदर में सी एंड जी है तभी तो जो सन है उसको जी मिलेगा, डॉटर को सी एंड सी चाहिए था तो उसको मदर से मिल गया सी एंड सी और फादर से मिल गया। ऐसे जो एसटीआर थे वो उसको मिल गया फादर से, है ना। हमने मतलब मोस्टली उसको क्वेश्चन को सॉल्व किया था एसएनपी के बेसिस पे, ठीक है। तो आपका उससे हो गया था। अब नेक्स्ट जो हमने बात की थी अपनी पॉपुलेशन जेनेटिक्स की, तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स का भी आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि हार्डी विनबर्ग लॉ पे यूज होता है, और जब भी रिसेसिव का केस आएगा तो आपको कैरियर फ्रीक्वेंसी 2PQ के फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है। आई होप आप लोग क्लियर हो गए इस वाले कॉन्सेप्ट से, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स से आपको काफी मतलब आपके चार कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे क्योंकि मैंने इसमें चार क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपको स्टिल कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज आप हमें है ना इसमें कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और अगर आप इससे और भी क्वेश्चन जानना चाहते हैं तब भी आप हमें मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।